एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं या छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के 2/3 हो। छात्रों की संख्या बताइए। सबसे पहले हमें छात्राओं की संख्या निकालना है, क्योंकि छात्रों की संख्या 2/3 दिया हुआ है। सब मानते हैं, माना छात्राओं की संख्या। माना छात्राओं की संख्या बराबर x है। छात्रों की संख्या 2/3 दिया हुआ। छात्रों की संख्या x गुणे 2/3। अब हमें निकालना है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं या छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या। छात्राओं प्लस छात्रों, छात्राओं प्लस छात्रों की संख्या बराबर कितना दिया? 45। छात्रों की संख्या कितना है? छात्राओं की x दिया है, प्लस छात्रों की x इंटू 2/3 बराबर 45 ये दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 2x, 2x हो जाएगा, 3/45 ये हुआ। अब इसको हम इसमें गुणा करेंगे, 3 का x में कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x इंटू 3 बराबर 45 बराबर 5x, 3 2 5, 5x इंटू 3 इंटू 45 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा 5x टू 45 इंटू 3, 5x, 5x इंटू 45, 135, 135 तो x बराबर 135/5 हो गया। अब x बराबर 10 और कितना होगा? 35 5 7 35 कितना हो जाएगा? 27। तो ये छात्राओं की संख्या आंसर।